कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है, फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ। सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान और अक्षय कुमार की भिड़ंत 11 अगस्त को होने वाली है। हालांकि सिनेमा घरों में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के क्लैश से पहले ही सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों के बीच जंग छिड़ गई। कई यूजर्स दोनों फिल्मों के समर्थन में खड़े हैं, तो कुछ अक्षय कुमार और आमिर खान के बयानों की वजह से उनकी फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें 11 अगस्त पर टिकी है। बड़ी हिट के लिए तरस रहा बॉलीवुड आमिर और अक्षय पर नजरें टिकाए बैठे हैं। वही दर्शक ये भी जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि आखिर इस मुकाबले में कौन आगे रहेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो आइए जानते हैं और डिसाइड करते हैं जीत फाइनली किसकी होगी। लाल सिंह चड्ढा। दोस्तों, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में साउथ एक्टर नागा चैतन्य की मौजूदगी एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि नागा चैतन्य की वजह से तेलुगु दर्शक लाल सिंह चड्ढा को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाएंगे। नागा के जितने भी फैन हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो उन्हें अट्रैक्ट करेगा और सिनेमा घरों तक खींच कर लाएगा। वहीं रक्षाबंधन में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के अलावा और कोई भी बड़ा नाम नहीं है। पॉइंट नंबर टू, आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म को मिला साउथ का साथ। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद से ही हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। शायद यही कारण है कि आमिर खान ने चिरंजीवी, एसएस राजामौली, नागा अर्जुन जैसे एक्टर्स के साथ लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इतना ही नहीं, एक्टर ने साउथ एक्टर्स के साथ मिलकर इस पर काम भी किया और रिव्यू लिया, फिल्म को बेहतर करने का प्रयास किया। वहीं अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के साथ ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नंबर थ्री, रक्षाबंधन के खिलाफ हो रहा विरोध आमिर करीना की फिल्म के मुकाबले कम है। आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों से लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स आमिर खान के पुराने बयानों और लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान तुर्की की प्रथम महिला से मिलने और पीके के कुछ सीन्स की वजह से लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं लोग अक्षय कुमार को भी फिल्म ओएमजी के सीन्स की और महाशिवरात्रि के दौरान किए गए ट्वीट की वजह से ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन के खिलाफ हो रहा विरोध आमिर करीना की फिल्म के मुकाबले काफी कम है। नंबर फोर, अक्षय कुमार की फिल्म बचाएगी समय। जी हाँ, दोनों फिल्में हॉलीडे वाले दिन रिलीज हो रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लाल सिंह चड्ढा को 180 करोड़ के बजट में बनाया गया, जबकि अक्षय कुमार की फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया। लाल सिंह चड्ढा को 2 अगस्त 2022 को सेंसर बोर्ड द्वारा यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने की परमिशन मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान की फिल्म का रन टाइम है 164 मिनट, यानी कि 2 घंटे 44 मिनट। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म यू सर्टिफिकेट के साथ पास हुई है और फिल्म का रन टाइम है 110 मिनट, यानी कि कुल 1 घंटा 50 मिनट। नंबर फाइव, पहले दिन होगी इतनी कमाई। दोस्तों, बड़े बजट की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भारत में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी और आमिर खान की फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म भी 3500 से 4500 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है और ये फिल्म पहले दिन आराम से 15 से 20 करोड़ के बीच में कमाई कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की फिल्म 2800 से 3300 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। ये फिल्म पहले दिन आराम से 10 से 15 करोड़ के बीच में कमाई कर सकती है। वेल, ये तो स्क्रीन काउंट्स के हिसाब से हमने आपको बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताया। हालांकि जो असली रिपोर्ट होगा वो सामने आएगा 11 अगस्त को। वेल, आप किस फिल्म को सपोर्ट करते हैं, किसका बायकॉट करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।